गाइस जैसा एक्साइटमेंट देख पा रहे हो कि आज हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि क्या ट्राई कर रहे हैं बताना चाहोगे? जैसा कि देख पा रहे हैं एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो कैसा हो गया। गाइज बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया तो चलिए व्लॉग बनाते हैं। तो मेरी फ्रेंड को आइसक्रीम पसंद है और मुझे रोल, तो मैंने सोचा कुछ यूनिक खाया जाए, तो उसका नाम है तवा रोल आइसक्रीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसी है। तो गाइज अभी हमने पाइनएप्पल तवा रोल ऑर्डर किया है और अब मैं इसे थोड़ा पास फॉरवर्ड में दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा मेन स्टफ तो इसका एक्सपीरियंस है ना, कि एक्सपीरियंस क्या है, और आपको थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड में सारी चीज़ दिखा देता हूँ कि कैसे ये आइसक्रीम बनती है। तो फटाफट आप देखें और फिर मिलते हैं अपने एक्सपीरियंस वाले पार्ट में। तो गाइस जैसा एक्साइटमेंट देख पा रहे हो कि आज हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि क्या ट्राई कर रहे हैं बताना चाहोगे? जैसा कि देख पा रहे हैं एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो कैसा हो गया। तो गाइस जैसा कि देख पा रहे हो कि मैं सीधा ऑफिस से भाग के आया हूँ। एक्साइटमेंट लेवल ही कुछ ज़्यादा है। क्या खा रहे हैं हम? खा रहे हैं अभी तवा आइसक्रीम। ये मेरी है, हाँ ये मेरी है, ये मेरी है, देख लो गाइस मेरी तेरी में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है एक्सपीरियंस शेयर करने की। मेरा एक्सपीरियंस तो इसके साथ बहुत ज़बरदस्त और बिंदास था। सीरियसली में मैंने ऐसी टेस्टी आइसक्रीम और ऐसा कुछ यूनिक सा स्टफ़ मैंने कभी नहीं खाया था। मेरे को तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, और बस एक थोड़ा मेरे को लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी आइसक्रीम थी। एक्सट्रीम तो मैंने बहुत सारी आइसक्रीम खाई है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा ही ठंडी थी। एक ये मेरे को पॉइंट लगा, बाकी तो ये बहुत ही अमेजिंग थी। और फ्लेवर के मामले में तो भाइयों इसने दिल ही जीत लिया, मेरे को तो A1 लगा ये फ्लेवर। रुको रुको गाइस अभी जा कर रहे हो, अभी हमने सेकंड भी तो ट्राई करनी है। सेकंड? हाँ सेकंड। बेसिकली अभी हमने पाइनएप्पल तो ट्राई कर लिया, अब हम ट्राई करने वाले हैं ब्लूबेरी तवा रोल आइसक्रीम। तो चलिए देखते हैं इसका स्वाद कैसा है और हम आपके साथ ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आइसक्रीम नाम की चीज़ तो हम छोड़ से नहीं है, देखो जैसे मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइस जैसा आपको पता है ब्लूबेरी आइसक्रीम है, जो कि बहुत फेवरेट है मेरे, तो इसलिए मैंने कभी मंगवाई नहीं थी आज तक तो आप चम्मच ले सकते हो, डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस बार जैसे आप देख पा रहे हैं गाइस, मैंने अपना टारगेट उठा लिया है। तो गाइस मुझे तो पर्सनली ब्लूबेरी ओके लगी, पाइनएप्पल तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और मेरी जो फ्रेंड है उसको ब्लूबेरी ज़्यादा अच्छी लगी है। लेकिन एक मसला हो गया था, मसला ये हो गया था कि बेसिकली हम दोनों का पेट ज़्यादा ही भर गया था, तो आइसक्रीम फिनिश ही नहीं की गई थी ब्लूबेरी तो, क्योंकि मतलब ज़्यादा क्वांटिटी, बेसिकली क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। हमें नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी। बेसिकली हम दोनों ने बहुत सारे स्टफ़ ऑलरेडी ट्राई करके आ चुके थे, लाइक हम गोलगप्पे, पानी पूरी, टिक्की, एंड मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्राइड राइस, हम ये सारी चीज़ें खा के आ गए थे। उसके बाद हमने यहाँ की ये दो आइसक्रीम हमने ऑर्डर करी, रोल आइसक्रीम, जो कि खुद में एक यूनिक डिश थी। सो उसकी वजह से मे बी हमें ब्लूबेरी में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, और अगर हम ज़्यादा चीज़ें क्वान्टिटी में खा लेते तो मे बी उसकी वजह से भी हमें कभी कभार वो चीज़ मज़ेदार नहीं लगती। सो कुछ ऐसा ही सिनेरियो था। लेकिन अगर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, अगर आपको एक से ज़्यादा रोल आइसक्रीम ट्राई करनी है तो आप अपना थोड़ा पेट खाली करके आए, क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा है और टेस्ट तो दुगना है, मतलब कि यूनिक और मज़ेदार स्वादिष्ट है। तो गाइज यही मेरा कुछ एक्सपीरियंस था इसके साथ। आप गाइज बताइएगा कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा और आप इसे ज़रूर ट्राई करना पसंद करेंगे। तो गाइज बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे कुछ और मज़ेदार चीज़ें। बाय। तो बहुत ज़्यादा प्लीज इसे आधा कर दो, बस इसे आधा कर दो। ये जान है, ये जान है, ये जहान है। आधा कहाँ से आई है? किस एंगल से आधा है?